हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आप और मैं मिलकर ONGC का जो 2022 में रिसेंटली ही अभी एग्ज़ाम हुआ है इसी साल, उसका पेपर सॉल्व कर रहे हैं। और अब तक हमने 3 पार्ट के साथ 60 क्वेश्चन यानी कि 60 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, समझ लिए हैं, और जो भी उसमें पेपर में भी मिस्टेक कई जगह आई थी उसको भी हमने क्लियर कर लिया है। इसके बाद अब आइए फटाफट बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ फ्लेम इन, यानी कि ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग के फ्लेम में सबसे अधिक तापमान कहाँ होता है, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन 3, इनर कोन पे, जिसको आप इमेज के माध्यम से भी समझ सकते हैं। यानी कि ऑक्सीएसिटिलीन गैस को जलाकर जो हम फ्लेम बनाते हैं उसके अंदर जो सबसे अधिक तापमान क्रिएट होता है, जहाँ सबसे अधिक तापमान नोट किया गया है, वो इनर कोन पे होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। इन प्लाज्मा कटिंग द टेम्परेचर ऑफ जेट ऑफ आयोनाइज्ड गैस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि प्लाज्मा कटिंग आयोनाइज गैस जेट का तापमान कितना होता है। यानी कि जब हम प्लाज्मा कटिंग करते हैं तो जो आयोनाइज्ड गैस निकलती है जिससे कटिंग प्रोसेस होता है, तो उसका टेम्परेचर कितना होता है, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन 1, 28,000 डिग्री सेल्सियस तक उसका टेम्परेचर पहुंच जाता है। तो बहुत हाई टेम्परेचर क्रिएट होता है प्लाज्मा आर्क कटिंग में। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। द सोर्स ऑफ हीट इन फ्रिक्शन वेल्डिंग प्रोसेस, यानी कि फ्रिक्शन वेल्डिंग में ऊष्मा का सोर्स क्या है, ऊष्मा का स्रोत क्या है, यानी कि ऊष्मा कैसे उत्पन्न होती है फ्रिक्शन वेल्डिंग के अंदर, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन 4, मैकेनिकल फ्रिक्शन। यानी कि मैकेनिकल फ्रिक्शन से मतलब यह है कि इस फ्रिक्शन वेल्डिंग के अंदर दो वेल्डिंग होने वाले जॉबों को मैकेनिकल प्रोसेस द्वारा एक दूसरे के परस्पर फ्रिक्शन कराया जाता है, जिससे दोनों जॉबों के में आपस में फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है। और घर्षण होगा तो आपको पता है दो जॉब आपस में घर्षण करेंगे तो हीट क्रिएट होगी, और इसी तरह काफ़ी समय तक अगर दोनों जॉबों में फ्रिक्शन होगा तो हीट मेटल को पिघला देगी, जिससे कि उनको अचानक से सडनली इनको रोककर दबाव डालकर आपस में जोड़ दिया जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। विच वेल्डिंग टेक्निक इज नॉट यूज्ड फॉर पाइप वेल्डिंग, यानी कि दिए गए विकल्पों में से वह कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया है जिसका उपयोग पाइप को वेल्ड करने के लिए नहीं किया जा सकता, जिसमें हमारा राइट आंसर है इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग। यह वेल्डिंग प्रोसेस ओनली प्लेट के ऊपर ही सक्सेस है, जिसी प्लेटों को वर्टिकली हैंग करके दोनों तरफ कॉपर शू लगाकर फिर बीच के अंदर वेल्डिंग बिल्डअप की जाती है। बाकी अदर प्रोसेस जो है, जो तीन ऑप्शन अदरवाइज दे रखे हैं, उन सब का प्रयोग हम पाइप को वेल्ड करने के लिए कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। ड्यू टू रैपिड कूलिंग ऑफ द मोल्टन वर्लपूल कर्व्स, यानी कि पिघले हुए वर्लपूल को सडनली यानी कि अचानक ठंडा करेंगे तो उससे कौन सा दोष वर्ल्ड बीड में आ सकता है, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन 2, हॉट क्रैक। यानी कि वेल्डिंग करते ही तुरंत अगर बीड के ऊपर पानी डाल देंगे या उसको सडनली ठंडा करेंगे तो उससे क्या होता है, वेल्ड बीड में दरार आ जाती है, क्रैकिंग आ जाती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। आर्क वेल्डिंग डिफेक्ट इज कॉज्ड बाई लो करंट इज, यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि आर्क वेल्डिंग में कम करंट की वजह से कौन सा दोष हो सकता है, जिसका आंसर कि मैं आंसर दे रखा है ऑप्शन 1, अंडरकट। बट ये आंसर गलत है, सरासर गलत है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन 3, ओवरलैप। यानी कि वेल्डिंग के दौरान अगर हम कम करंट रखते हैं
इसकी वजह से जो वेल्डिंग डिफेक्ट आएगा वह है ओवरलैप, और जो ये अंडरकट बता रखा है ये जो डिफेक्ट आता है ये होता है हाई करंट की वजह से। अगर वेल्डिंग के दौरान हम हाई करंट का यूज़ करेंगे इसकी वजह से जॉब के किनारे कट जाते हैं, जिसको हम अंडरकट कहते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। इलेक्ट्रोड की कोडिंग में जो लेटर सी लिखा हुआ रहता है वह किस प्रकार के फ्लक्स की कोटिंग को दर्शाता है, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन 2, सेल्युलोसिक। यानी कि इलेक्ट्रोड की जो कोटिंग आती है अगर उसमें लेटर सी लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रोड के ऊपर ये जो कोटिंग चढ़ी हुई है फ्लक्स की, ये सेल्युलोसिस टाइप की फ्लक्स कोटिंग है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दिए गए विकल्पों में से विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, जूल। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग डिफेक्ट अक्यूर ड्यू टू रॉन्ग वेल्डिंग टेक्निक। यानी कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा वेल्डिंग दोष है जो गलत वेल्डिंग टेक्निक की वजह से वेल्डिंग के अंदर आ जाता है, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन 2, अंडरकट। यानी कि वेल्डिंग करते समय अगर हम गलत वेल्डिंग टेक्निक का यूज करते हैं या वेल्डिंग करते समय हम इलेक्ट्रोड होल्डर को सही तरीके से नहीं चला पाते हैं तो उसकी वजह से अंडरकट आने की संभावना बढ़ जाती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। एसी आर्क वेल्डिंग इज, यानी कि एसी आर्क वेल्डिंग की क्या विशेषता है, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन 1, हाई इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी। यानी कि इसमें हाई विद्युत दक्षता होती है, जिससे आशय है कि ऐसे आर्क वेल्डिंग सिस्टम कंपैरिजन अदर सिस्टम के सस्ता होता है। इसमें जो आर्क बनती है कॉन्सेंट्रेट आर्क बनती है, इसमें किसी प्रकार का आर्क ब्लो नहीं होता है और एसी करंट एक अच्छी फोर्सफुल आर्क प्रदान करता है जो वेल्डिंग के लिए बेस्ट होती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। द मेटलाइजिंग प्रोसेस कैन नॉट प्रोटेक्ट द वर्क पीस टू। यानी कि दिए गए विकल्पों में से मेटलाइजिंग प्रोसेस जॉब को किस से सुरक्षा प्रदान नहीं करता है, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन 2, मैकेनिकल स्ट्रेंथ। यानी कि जो मेटलाइजिंग प्रोसेस होता है वेल्डिंग के अंदर उससे आशय है कि किसी मेटल के ऊपर किसी अदर मेटल की परत चढ़ाने को मेटलाइजिंग प्रोसेस कहते हैं। यानी कि एक तरह से किसी मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की कोटिंग चढ़ाना मेटलाइजिंग कहलाता है। मेटलाइजिंग करके जॉब को ऑप्शन 2 यानी कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ के अलावा सभी पहलुओं से बचाया जा सकता है। जैसे ऑप्शन 1 में दे रखा है वेदरिंग, यानी कि किसी जॉब की अगर मेटलाइजिंग कर दी जाए तो उस पर किसी वातावरण का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जिसमें ऑप्शन 3 दे रखा है सरफेस वियर, अगर हम किसी मेटल के ऊपर हार्ड मेटल की परत चढ़ा देंगे कोटिंग चढ़ा देंगे तो उस मेटल की कभी घिसाई नहीं होगी, वो मेटल जल्दी से घिसेगा नहीं। इसके अलावा ऑप्शन जो 4 दे रखा है कोरोजन, यानी कि मेटल के ऊपर मेटलाइजिंग प्रोसेस के द्वारा कोटिंग चढ़ा देने के बाद उस पर कोरोजन यानी कि जंग नहीं लगता है, वो जंग रोधी हो जाता है। यानी कि जो मेटलाइजिंग प्रोसेस जो की जाती है मेटल के ऊपर वो मेटल को प्रोटेक्ट करने के लिए ही की जाती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। E6013 इलेक्ट्रोड BIS कोडिंग फोर्थ लेटर रिप्रेजेंट फॉर। यानी कि इलेक्ट्रोड की कोडिंग E6013 की BIS कोडिंग में छोटा अक्षर क्या बताता है, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन 1, वेल्डिंग पोजीशन। यानी कि
इसमें हमसे पूछा गया है कि E6013 में जो E601 की जो चौथे नंबर पे 1 आ रहा है वो क्या प्रेजेंट करता है, उससे क्या आशय है। तो इसमें हमारा राइट आंसर है, ये जो 1 डिजिट है यह है वेल्डिंग पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। ऑक्सीएसिटिलीन पाउडर कोटिंग प्रोसेस इज ए, यानी कि ऑक्सीएसिटिलीन पाउडर कोटिंग प्रोसेस कैसा कोटिंग प्रोसेस है, जिसमें हमारा राइट आंसर है थर्मल स्प्रे कोटिंग। देखिए इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट मेन पॉइंट आया है कि ऑक्सीएसिटिलीन पाउडर कोटिंग ये क्या चीज़ होती है, ये क्या प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस है। देखिए ऑक्सीएसिटिलीन पाउडर कोटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा जॉब के ऊपर फिनिशिंग लाने के लिए, जॉब को एटमॉस्फेयर से बचाने के लिए, कोरोजन आदि से बचाने के लिए किसी जॉब के ऊपर मेटल स्प्रे करके एक नई परत चढ़ाई जाती है। और यदि ये ऑक्सीएसिटिलीन प्रोसेस के थ्रू किया जाता है तो इसीलिए इसको ऑक्सीएसिटिलीन पाउडर कोटिंग प्रोसेस कहा जाता है। इसमें जो हम ऑक्सीएसिटिलीन टॉर्च यूज़ करते हैं उस टॉर्च के ऊपर ही एक होपर लगा दिया जाता है और उसमें मेटल का पाउडर भर दिया जाता है, यानी कि मेन जॉब के ऊपर हम जिस भी मेटल की कोटिंग चढ़ाना चाहते हैं उसका पाउडर हम इस होपर में भर देते हैं। और जब हम ये ऑक्सीएसिटिलीन सिस्टम चालू करते हैं तो दोनों गैसों के प्रेशर की सहायता से ये पाउडर भी नोजल के साथ मेल्ट होकर निकलता है और इन दोनों गैसों के प्रेशर की वजह से ही ये स्प्रे के रूप में हमारे जॉब के ऊपर स्प्रे होता है और उसी की सहायता से जॉब के ऊपर कोटिंग चढ़ जाती है। तो इसी सारे प्रोसेस को हम ऑक्सीएसिटिलीन पाउडर कोटिंग प्रोसेस कहते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। द चिपिंग हैमर इज यूज्ड टू, चिपिंग हैमर किस लिए उपयोग करते हैं। तो ये तो सब जानते होंगे कि जितने भी वेल्डर्स आईटीआई में एडमिशन लेते हैं तो सबसे पहले यही सिखाया जाता है कि कौन सा टूल्स किस कार्य के लिए उपयोग करते हैं। तो चिपिंग हैमर हम किस लिए उपयोग करते हैं, इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन 2, रिमूव द स्लैग, यानी कि वेल्डिंग करने के बाद वेल्डिंग बीड के ऊपर जो स्लैग जम जाता है उसको हटाने के लिए हम चिपिंग हैमर का उपयोग करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फ्लक्स इन वेल्डिंग, वेल्डिंग में फ्लक्स का क्या कार्य है, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन 1, टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ द बेस एंड फिलर मटेरियल, यानी कि वेल्डिंग के अंदर जो फ्लक्स हम यूज़ करते हैं उसका मेन जो फंक्शन है, मेन जो कार्य है वो है फ्लक्स हमारे बेस मेटल और फिलर मटेरियल को ऑक्सीडेशन होने से बचाता है। यानी कि वेल्डिंग के दौरान अगर हम फ्लक्स का यूज़ कर रहे हैं तो हमारे बेस मेटल और हमारे फिलर मेटल पर ऑक्सीजन और उसके साथ साथ वातावरण के अन्य गैसों का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यह फ्लक्स इन सभी विकारों से वेल्डिंग जॉब को बचाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। एल्युमिनियम और उसके मिश्र धातुओं का वेल्ड करते समय पृष्ठ तैयारी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि यदि हम एल्युमिनियम तथा उसके एलॉय मेटल्स को वेल्ड करना चाहते हैं तो जॉब को वेल्ड करने से पहले जॉब के सरफेस की क्लीनिंग करना आवश्यक क्यों होता है, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन 1, यानी कि हमारे जॉब के ऊपर नमी हो सकती है जो वेल्डिंग के दौरान हाइड्रोजन में कन्वर्ट होकर हमारे वेल्डिंग बीड में पोरोसिटी क्रिएट कर सकती है, इसलिए एल्युमिनियम और उसके अलॉय मेटल्स को वेल्ड करने से पहले
जो आपके सरफेस की क्लीनिंग कर लेनी चाहिए, और अगर उसमें नमी वगैरह है तो उसको ड्राई कर लेना चाहिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, एसिटिलीन गैस का रासायनिक सूत्र क्या है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है और अधिकतर एग्जाम में आता भी है, तो जिसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, C2H2, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन दोनों को मिलाकर जो गैस तैयार होती है उसे हम कहते हैं एसिटिलीन गैस। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग टाइप्स ऑफ फ्लेम इज आर, यानी कि ऑक्सीएसिटिलीन गैस वेल्डिंग में फ्लेम कितने प्रकार के होते हैं। तो जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन 4, यानी कि ऑक्सीएसिटिलीन गैस वेल्डिंग में 3 प्रकार के फ्लेम बनते हैं। पहला है कार्बोराइजिंग फ्लेम, दूसरा है न्यूट्रल फ्लेम और तीसरा है ऑक्सीराइजिंग फ्लेम। तो ये तीनों फ्लेम ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग के अंदर बनते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, AWS का पूरा नाम क्या है। तो ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और आजकल तो इलेक्ट्रोड की कोडिंग इसी के द्वारा होती है। तो जिसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी। और इसके बाद हमारा आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, एसिटिलीन सिलेंडर कलर इज, यानी कि एसिटिलीन सिलेंडर का रंग कैसा होता है, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन 3, मैरून, यानी कि डार्क रेड कलर जो होता है उसे हम मैरून कहते हैं, और मैरून रंग का जो सिलेंडर होता है वो एसिटिलीन सिलेंडर होता है। तो हमने इस चौथे पार्ट के साथ ही हमारे ONGC के पेपर को पूरी तरह से सॉल्व कर लिया है, समझ लिया है, और इस पेपर में जो भी मिस्टेक्स थी उनको भी हमने रेक्टिफाई कर लिया है। अगर आपको इस पेपर की PDF फाइल चाहिए तो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अवेलेबल करा दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे अपनी थ्योरी से रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन आंसर बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इन्हें आप अपने नोट्सबुक में उतार सकते हैं तथा खुद के नोट्स बना सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी अगली सीरीज जब भी आएगी तो तुरंत आपके पास पहुंचेगी। तो मिलते हैं क्वेश्चन आंसर सीरीज के साथ। थैंक यू सो मच।